आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी में। आज मैं आपके लिए फूल गोभी की एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही आसान। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फूल गोभी ली है और अब इसे हम साफ कर लेंगे। तो इसकी जो पत्ती होती है इसे हमें हटा देना है और गोभी को हम कट नहीं करेंगे, इसी तरीके से गोल ही हमें लेना है। तो यहाँ पे सारी जो डंडी है इसे हटा देंगे और जो मेन इसकी डंडी होती है उसको हम छोड़ेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से गोभी को कट करना है और अब इसे हम चेक कर लेंगे कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है, क्योंकि फूल गोभी में कीड़े भी रहते हैं। तो गोभी साफ सुथरी है, बढ़िया है। अब इसे हम धो लेंगे और धोने के बाद इसे हम गैस पे सेकेंगे। तो इस तरीके से हमें गैस पे सेकना है। तो आप डंडी को पकड़ के और ऊपर से इसे आराम से सेक सकते हैं। गैस की फ्लेम को कभी हाई कभी लो ऐसे करके धीरे धीरे इसे हम सेकेंगे। और यदि आपके पास स्टैंड हो जिसपे हम बैंगन और टमाटर वगैरह पकाते हैं, उसको यदि लगा के पकाते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने वो रख लिया है और उसके ऊपर ही गोभी को रख दिया है। तो अब ये आराम से चारों तरफ से पक जाएगी। तो इसको घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छे से इसे पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो गोभी हमारी है पक गई है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब तक गोभी ठंडी हो रही है तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्याज, दो मिर्च, एक टमाटर और थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं। अब हम प्याज को बारीक बारीक काट के लेंगे। तो एक तरीके से प्याज को बारीक बारीक ही कट करना है। प्याज कट गई है तो अब हम मिर्च को कट कर लेंगे, अब टमाटर को कट करेंगे। तो इसी तरीके से सारी चीजें हमें कट करके रख लेनी है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रेडी कर लिया है, इकट्ठा मैं बना के रख देती हूँ तो उसी का यूज हम करेंगे। और अब हम गोभी को ग्रेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने बड़ा वाला ग्रेटर लिया है, तो इसपे अच्छे से ये ग्रेट हो जाएगा। यदि आपके पास छोटा ग्रेटर है तो गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी ग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गोभी है ग्रेट हो गई है, तो ये जो डंडी वाला भाग है इसे हम हटा देंगे। और यहाँ पे जो फूल का है ये हमारा अच्छा से निकल गया है। तो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में दो तीन चम्मच इतना सरसों का तेल डाला है, अब एक चम्मच जीरा डाल दिया है, आधा चम्मच अजवाइन डाला है और चौथाई चम्मच जितना कलौंजी डाल दी है मंगरैल। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और साथ में हरी मिर्च डाल देंगे। तो प्याज और मिर्च को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि बहुत ही बढ़िया सा कलर ना आ जाए प्याज में, एकदम सुनहरा सा हमें भूनना है। दो तीन मिनट जितना समय लगता है प्याज को भूनने में। और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिला लिया है और अब इसे हल्का सा गल जाने तक हम पकाएंगे। और इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से गल गया है, तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इसके साथ ही आधा चम्मच इतना हल्दी पाउडर डाला है, एक चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाला है, एक चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। और अब इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसके सहारे ही इसे अच्छे से भूनेंगे। यदि आपको सूखा सूखा लगे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से भूने। तो मसाला अच्छे से भून गया है, तो अब इसमें मैं उबले हुए मटर डाल रही हूँ। मटर उबला हुआ है तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि आप कच्चा मटर डाल रहे हैं तो थोड़ी देर पका ले इसे अच्छे से।
और उसी के साथ ग्रेट की हुई गोभी भी डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो इसे गोभी की भुर्जी बोल सकते हैं या फिर गोभी का भरता भी बोल सकते हैं, क्योंकि पका के तो भरता ही बनता है और इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। लास्ट में मैं एक और चीज इसमें डालूंगी जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 4-5 चम्मच जितना, और अब इसे हम कवर करके और थोड़ी देर 2-3 मिनट जितना पकाएंगे, उससे ज्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। 2-3 मिनट बाद इसे खोल के चेक करेंगे। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पक गई है और अब इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अब इस टाइम पे हम डाल देंगे खूब सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और आधे नींबू का रस, जो कि इसको और भी ज्यादा चटपटा बना देगा। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। आप इसे किसी भी चीज के साथ खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आपको मेरे गोभी की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।